हाउ टू रिचार्ज इन मंत्री मॉल्स, मंत्री मॉल्स में रिचार्ज कैसे करना है। सबसे पहले आपको रिचार्ज पर क्लिक करना है। रिचार्ज पर क्लिक करने के बाद आप थार वाले ऑप्शन पर यानी इस पर क्लिक करना है। ये वाला मेरे को अच्छा लगता है इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर करने वाला हूँ लास्ट वाले ऑप्शन पर, तो इसको क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद आप कितना रुपया रिचार्ज करना है, 200 रुपया से लेकर 50,000 तक के अंदर वन टाइम रिचार्ज कर सकते हैं। आप यहाँ पर नॉर्मली टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको रिचार्ज पर फिर से क्लिक करना है, अमाउंट भर दिया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपका नाम यहाँ पर लिखना है, आपका रियल नाम, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, जो कोई भी हो, जो गेम का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। बैंक से अगर लिंक नहीं है तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर दो जो गेम का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो। यहाँ पर ईमेल कुछ भी लगा दो। अगर दोबारा आप रिचार्ज कर रहे हैं तो आपको ऑटोफिल में क्लिक करने से सब कुछ आ जाएगा इस तरह। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करो। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कंपनी का UPI अकाउंट आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आप गौर से देखना है, आपने 200 रुपये अमाउंट सेलेक्ट किया है, ठीक है, और कंपनी ने एक UPI अकाउंट आपको दिया है, ठीक है, ये वाला UPI ID। आपको क्या करना है, इस UPI को कॉपी करना है, इस UPI ID को यहाँ पर कॉपी करना है। कॉपी पर क्लिक कर दिया, कॉपी सक्सेसफुल। अब आप कहाँ से मनी ट्रांसफ़र करेंगे कंपनी के अकाउंट पर आपके वॉलेट पर आने के लिए, उसका एप्लीकेशन आप खोलिए। मान लो आप फ़ोन पे से रिचार्ज कर रहे हैं तो फ़ोन पे खोलिए, गूगल पे रिचार्ज कर रहे हैं गूगल पे से मनी ट्रांसफ़र करना है आपको गूगल पे खोलिए, पेटीएम से करना है तो पेटीएम खोलिए, आसान बात है। तो मैं फ़ोन पे से करने वाला हूँ तो फ़ोन पे अब मैं खुल गया। फ़ोन पे खुलने के बाद आपको यहाँ पर आपको दिखाई देता है टू कंटेक्ट वाला ऑप्शन, मनी ट्रांसफ़र में, ट्रांसफ़र मनी में टू कंटेक्ट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पर फिर से आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है, ऊपर वाले सर्च इंजन मोबाइल नंबर पर लॉन्ग प्रेस करना है। इसके बाद आपको जो वहाँ से कॉपी किया हुआ कंपनी का UPI जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको दीपक अरुण वाक मारे, इसको फिर से यहाँ पर ऊपर में क्लिक कर दो, क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर कितना रुपया रिचार्ज अमाउंट वहाँ पर आपने टाइप किया था, बस यहाँ पर अमाउंट फिर से भर दो। इसके बाद सेंड कर दो। इसके बाद आपको UPI पिन लगा दो। UPI पिन लगाने के बाद जब मनी ट्रांसफ़र सक्सेसफुल होता है, अब मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है व्यू डिटेल्स पर, आपका UTI नंबर दिखना है। फिर उसके बाद आपको ये वाला UTI नंबर जो है नोट करना है, ठीक है, 1068, ये वाला कहाँ पर फिर इसको लगाना है, 1068 46, वहाँ पर लगाना है, यहाँ पर 1068 46 1068 46 98 3379 98 3379। इसके बाद आपको फिर से क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पर पेप डिजिट का UTI नंबर रेफरेंस नंबर लगा दिया। इसके बाद आपको स्टेप नंबर 3 पर क्लिक करना है, सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। इसके बाद आपको ये वाला कुछ मिनट वगैरह अभी जो दिखा दे रहा है इसको वेट कर सकते हैं, नहीं तो आप बेक भी कर सकते हैं, बेक करके देखते हैं मेरा बैलेंस 6861 था या कैसे था। अब वॉलेट पर जाओ, रिचार्ज पर जाओ, हिस्ट्री देखते हैं, अभी पेंडिंग में है, कुछ ही सेकंड में अभी आ जाएगा।